देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज देश एक नई बहस गौर से सुन रहा है और देख रहा है, वह है ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन प्राचीन परंपराओं की अगर बात करें तो ईसा पूर्व शताब्दियों पहले राजा हरिश्चंद्र के समय में स्वयंभू काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसमें 1194 से मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ गया था, लूटा गया। उसके बाद जौनपुर के शासक सुल्तान महमूद शाह के द्वारा 1447 ईस्वी में फिर तोड़ा गया। इस मंदिर को राजा टोडरमल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। 1632 ईस्वी में शाहजहां के आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश दे दिए गए और सेना भेज दी गई। लेकिन हिंदू जनमानस के विरोध के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को शाहजहां की सेना तोड़ने में विफल रही। परंतु इस घटना में बनारस के 63 अन्य छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसके बाद समय आता है औरंगजेब का। साल था 1669 ईस्वी का और तारीख थी 18 अप्रैल, जिसमें औरंगजेब ने आदेश पारित किया कि काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसका रिकॉर्ड एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मसीदे आलमगिरी में इस ध्वस्त का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। अब यह सवाल उठता है कि क्या जबरदस्ती कब्जा की गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है? इसके पहले देखिए हमारी यह रिपोर्ट। भारत की सबसे पुरानी नगरी बाबा विश्वनाथ की काशी में जहां एक तरफ गंगा की अविरल धारा है तो वहीं 80 घाट पर मां गंगा की आरती का नजारा है। लेकिन एक विवाद ऐसा है जो बरसों से चला आ रहा है, वो विवाद है ज्ञानवापी का, जिसकी वजह से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र इस वक्त सुर्खियों में है। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी परिसर में सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर आज फिर से सर्वे हो रहा है, जबकि बीते दिन सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। ज्ञानवापी मस्जिद में कल जिस वक्त और जिस अंदाज में सर्वे हुआ वो सिलसिला आज भी उसी तरह जारी रहेगा। लेकिन आज अलग ये होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित क्षेत्र में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी, जबकि बीते शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बाहर के इलाकों का सर्वे हुआ और आज दोनों दिन किए गए सर्वे की सभी रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और सबूत जिला कोषागार में रखे जाएंगे। अयोध्या में रामनगरी का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन अब भी कान्हा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी विवाद जस का तस बना हुआ है, जो अक्सर नेताओं का मुद्दा बनता रहता है, क्योंकि ये सभी विवाद हजारों साल पुराने हैं और लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। जबकि ज्ञानवापी विवाद की जड़ 1991 में अदालत से शुरू हुई। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और वो पूरी जमीन हिंदुओं के हवाले की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, इसीलिए 1951 का कानून इस पर लागू नहीं होता। तो वहीं मुस्लिमों का कहना है कि यहां पर आज़ादी से पहले नमाज पढ़ी जा रही है, इसीलिए इस पर 1951 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। दरअसल श्रृंगार गौरी मंदिर आज की तारीख में सिर्फ दीवार पर है। इस मंदिर परिसर का ज्यादातर हिस्सा मस्जिद परिसर में आता है। पहले श्रृंगार गौरी की परिक्रमा होती थी और परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मस्जिद परिसर में दाखिल होते थे। बाद में सुरक्षा का हवाला देकर परिक्रमा बंद कर दी गई। सुरक्षा के कारण ही रोज होने वाली पूजा भी बंद की गई। इसके बाद पूजा साल में एक बार होने की व्यवस्था हुई। हालांकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रृंगार गौरी की पूजा अब फिर से रोज होने लगी है, लेकिन परिक्रमा अब भी नहीं होती है। बस यही है विवाद की जड़। 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करने की मांग को लेकर अदालत पहुंची। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है, हालांकि इसमें सारे पेच भी हैं। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेली थी
और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं, जिसकी वजह से ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। ज्ञान वापी का इतिहास। ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण 1664 में हुआ। मुगल शासक औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया। मस्जिद बनने से पहले यहाँ मंदिर था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का दिया था आदेश। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों का किया था इस्तेमाल। क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का विवाद? ज्ञानवापी विवाद मामले में साल 1951 में पुजारियों के समूह ने वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर की। अप्रैल 2022 में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। हिंदू पक्ष की दलील ये मस्जिद और मंदिर के अवशेषों पर बनी। मुस्लिम पक्ष की दलील यहाँ पर आजादी से पहले से पढ़ी जाती है नमाज। पहले श्रृंगार गौरी की परिक्रमा होती थी। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मस्जिद परिसर में होते थे दाखिल। सुरक्षा के कारण रोज होने वाली पूजा भी हुई बंद। काशी कॉरिडोर बनने के बाद फिर शुरू हुई पूजा। सर्वे पर सवाल क्यों? सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का विरोध। मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे टीम के प्रवेश पर हंगामा। सर्वे करने वाली टीम के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने उठाए सवाल। वही अगर बात किया जाए मंदिर पर, तो सर्वे पर इतना हंगामा क्यों है, और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट जुड़ चुके हमारे साथ। उन सबका परिचय आप लोगों के साथ करा दूं। आलोक शुक्ला पत्रकार है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देशबंधु दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाराम भार्गव जी शुभासपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देशबंधु जी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। हर बार राजनीतिक मुद्दा क्यों दे दिया जाता है? मंदिर मस्जिद के कोई भी बात सामने आती है उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों दे दिया जाता है? क्या इसी का नतीजा तो नहीं है जो नारा केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो वाक्य दिया था वो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था थी। और रही बात, अभी आपने देखिए रिपोर्ट दिखाई, तो देखिए हमारा देश भारतवर्ष जो है लगभग हजारों वर्ष तो जानते हैं विदेशी आक्रांताओं की गिरफ्त में रहा। तो पुरातत्व सर्वेक्षण होंगे, उसमें जो साक्ष्य हैं वो सबके सामने आएंगे। और रही बात राजनीतिकरण, हम किसी मुद्दे का नहीं करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो कुछ समय के लिए छिप सकता है, लेकिन सत्य जो होता है वो सत्य होता है। और अयोध्या में देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम पहले भी कहते थे, जबकि विपक्षियों पार्टियों ने तो श्री राम भगवान के नाम पर ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वैसा नहीं है। पुरातत्व की सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी और ऐसा नहीं है। वहाँ पर लाखों करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था का प्रतीक अगर मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये जिम्मेदारी से कहती है कि हम लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और इसकी राजनीतिकरण की बात नहीं, ये हमारे इष्ट देव की भावना और लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा मामला है। पुरातत्व के संरक्षण की रिपोर्ट आने दीजिए और जो सत्य होगा वो बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल। विकास मिश्रा जी, जिस तरह से जो गेट नंबर 4 है उसके बाहर नमाज अदा किया गया, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या इस मुद्दे को भी राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है विदित भी है, जब भी कोई इस तरीके का निर्णय आता है, न्यायालय का निर्णय आता है, उसके विरुद्ध कुछ तथाकथित लोग ऐसा कार्य करते हैं और वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के कुछ अच्छे व्यक्ति जो हमारा समाज को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, हमारे सौहार्द को बनाए रखना चाहते हैं, उनको भी बदनाम करते हैं।
इस तरीके का कृत्य जो न्यायालय के आदेश आने के बाद अगर वहाँ पे नमाज पढ़ना हो इस तरीके का आपने कुछ भी किया तो आप कहीं ना कहीं न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देश की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर न्यायालय जो सर्वोपरि है उसके कानून को नहीं मानना चाहते हैं तो इसका मतलब आप देश को ही नहीं मानना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। जी पंकज जी, जिस तरह से लगातार इस मामले पर कई तरह के बवाल निकल करके सामने आ रहे हैं, कई जो रेशो निकल करके सामने आए, वहाँ के लोगों का कहना था कि जनरली नमाज पढ़ने इतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा भीड़ भी आएगी, तो आपको क्या लगता है राजनीति की जा रही है, जांच से किसी को कैसा डर है, सर्वे से डर है किसी एक खास समुदाय को? देखिए एक बात ये तय समझ लीजिए कि काशी एक पौराणिक नगरी रही है और उसका एक प्राचीन हजारों साल पुराना इतिहास है और काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए ये कहना उचित होगा कि इसको औरंगजेब ने 1669 में तोड़ के बनवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा उसने, और वहीं देखिए वहाँ काल भैरव मंदिर था उसको भी उसने तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वो तोड़ नहीं सका। तो काशी की परंपरा को उसने खंड खंड करने का काम किया, वो ठीक है कि उसके बाद तमाम सरकारें आईं उन्होंने इसके ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुस्लिमों का वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मुसलमानों के वोट के लिए उन्होंने कोई इस तरह के पूर्व की सरकारों ने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया। और सेंट्रल में अगर आप कहिए केंद्र में चाहे प्रदेश में ज़्यादातर गठबंधन सरकारों का दौर रहा, गठबंधन सरकारों के दौर के कारण इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन आज 1994 में जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली है और देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से इसमें विशेष ध्यान दिया गया। अब आप देखिए 500 साल पुराना मुद्दा, 490 साल पुराना मुद्दा जो अयोध्या का था उसको उसके पैरवी करके और उसको हल कराने का प्रयास किया और न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 142 जिसमें स्वतः संज्ञान लेने का चीफ जस्टिस को पावर है उन्होंने उसको स्वतः संज्ञान लिया और उसका खुद ही सुनवाई करते हुए उसका पटाक्षेप किया। और अब आप आइए काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और ये सर्वविदित है कि 1669 में औरंगजेब ने उसको तोड़ के बनवाया, वो अपने तुगलकी फरमान के जरिए उसने मंदिर को खंड खंड कर दिया और वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया, तो उसमें किस बात का परहेज है? अब अगर क्या नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार और अगर माननीय न्यायालय जो है उसमें एक कमीशन अपॉइंट कर रहा है जिसके अजय मिश्रा कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं एडवोकेट कमिश्नर, तो उनके नेतृत्व में वहाँ पर वीडियोग्राफी की जा रही है तो उसमें मुस्लिम समुदाय को किस बात का डर है भाई? तो उसमें आप फोटोग्राफी करवाइए, उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसको आप मानिए, सीधी सी बात है वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र आपके कहने से थोड़ी चलेगा कि नहीं आपने जो कह दिया वहाँ अंदर घुसने नहीं देंगे, जैसे कि अभी वहाँ के जो मस्जिद के इमाम है उन्होंने कहा था कि नहीं हम किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे, कल उन्होंने शुक्रवार का जुमा का दिन तक कितने लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, काफी हिलावाली की, लेकिन उसके बाद आज 3 बजे से ये निर्धारित था और वहाँ पर उसका कार्य चल रहा है और उसके अंदर तहखाने हैं और तमाम दीवालों पे ये साक्ष्य उभरते हुए दिखाई देते हैं कि वहाँ वास्तव में पहले मंदिर था, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पंकज जी, ये तो सर्वे के बाद ही सामने आ जाएगा क्या था श्रृंगार गौरी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। बिल्कुल आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, अभी ओवैसी का एक बयान है, सदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, जब भी कोई मसला आता है मंदिर का हो मस्जिद का हो लाउडस्पीकर का हो सीधा ओवैसी का एक बयान सामने आ जाता है कि राजनीति और सरकार नफरत की राजनीति, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए त्रिशला जी, बड़ी स्पष्ट बात मैं करना चाहता हूँ। देखिए ओवैसी सांसद तो हैं, विद्वान भी हैं, बैरिस्टर हैं, उनका काम है कि वो लॉ ऑफ द लैंड, लॉ की बात करें, कानून की बात करें, कानून की बात अगर करेंगे तो ओवैसी कहीं टिकते नहीं है। ओवैसी केवल एक समुदाय विशेष को प्रोवोक करना चाहते हैं जो काशी में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद काशी का हूँ, काशी में रहा हूँ, वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, काशी का जो मिजाज है वो बिल्कुल स्पष्ट है। काशी का मिजाज कभी भी दंगे का मिजाज नहीं रहा है, झगड़े का मिजाज नहीं रहा है, विवाद का मिजाज नहीं रहा है। कुछ लोग जो वहाँ पहुँच कर विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग के तहत वो करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरा एक मत से मानना है और हमारे जो वरिष्ठ लोग साथी बैठे हुए हैं उनका भी ये मानना होगा अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो जी। स्पष्ट तौर पर श्रृंगार गौरी का वहां पहले पूजन हुआ करता था जी। उसके बाद उसको बंद किया गया, फिर साल भर में एक बार किया गया, उसके बाद परिक्रमा भी बंद उसी समय हो गई थी। ये सारी बातें सबको मालूम है, औरंगजेब ने क्या किया, उसके पहले लोगों ने क्या किया, ये सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है।
बनारस के देश के मुसलमानों को भी ये बात मालूम है, मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं, मुस्लिम समुदाय भी ये भली भांति जानता है कि वह कब्जा की हुई जमीन पर, कब्जा किए हुए एक अवशेष पर, मंदिर जहां पहले से था उसको तोड़ करके उसके अवशेषों से मस्जिद का निर्माण किया गया है। बिल्कुल आलम जी, ये तो सर्वे होने वाला है, दूसरा सर्वे आज जो चल रहा है पता चल जाएगा। हमारे साथ दयाराम भार्गव जी जुड़े हैं शुभासपा से। दयाराम जी, जिस तरह से कभी भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, या लाउड स्पीकर का हो, हनुमान चालीसा का हो, या फिर कोई भी मुद्दा, उसको हमेशा से यही कहा जाता है, और असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से सामने आए और यही कहे कि सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। जब हम भाईचारे की बात करते हैं और सरकार कभी भी भाईचारे की बात करती है तो उसको हमेशा राजनीति का नाम क्यों लोगों में, खासकर वो हमारे गरीब तक के हिंदू भाई जो वाकई में राममय है, ऐसा नहीं है कि मंदिर काशी में बने अयोध्या बने तभी राम की पूजा होगी। मैं अयोध्या वासी हूँ, जहाँ मैं रहता, मेरे घर घर में राम का क्या नाम है, के लो हम लोग पूजा करते हैं। आस्था है, आस्था इतनी जबरदस्त है कि हम राम के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, आज 50 रुपए जो है सिलेंडर के पीछे केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया धीरे से, यही है कि आप देखो नहीं कि गांव में जो चोर आता कैसे चोरी करता है, उसको समझिए गांव में चोरी कैसे होता है। गांव में जैसे कोई बारात आया और नगाड़ा बज रहा हो और उस नगाड़े को सुनने के लिए पूरा गांव उसमें व्यस्त है, चोर आया सामान चोरी करके चला गया, तो भारतीय जनता से समस्या को दबा देती है और नया थोपने का काम करती है। खान बाप की मस्जिद का जो मामला है वो जैसे भी हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, हमारे देश बंधु भाई बैठे हैं, ये बताए हमारे देश में महंगाई है कि नहीं है, महंगाई चर्चा क्यों नहीं हमारे देश में होती है, हमारे देश में बोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो प्रवक्ता महोदय है, ठीक है महंगाई है सब कुछ सही बात आपकी है, लेकिन आप जो है पूजा पाठ करने को, आस्था को कहीं गलत दिशा में बहस को ले जा रहे हैं। बहस जो है ज्ञानवापी मंदिर पर है, ज्ञानवापी मस्जिद पर है, ये महंगाई पर ले जा रहे हैं। जी आलोक शुक्ला जी ये पत्रकार हैं, इन्होंने आपकी बातों का जवाब दिया। महोदय जी, मेरा नाम दयाराम भार्गव, स्वयं राम हूँ, मुझे आप राम के बारे में और इसके बारे में चर्चा ही मत करना, मैं स्वयं अयोध्या वासी हूँ, मैंने आपको पहले कट जबान बोला है, और मुझसे ज्यादा आपके अंदर आस्था नहीं है। अगर आप आपकी आस्था पर प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है, तो आप विषय को विषय विषयांतर आप कर रहे हैं, यही है कि आप जो है विषय के अतिरिक्त सब बातें कर लेंगे, विषय पर नहीं आएंगे। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ, आपके पेट में बल क्यों आ रहा, दर्द क्यों हो रहा? जनता का दर्द नहीं उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे होते तो जनता ने दोबारा मैंडेट नहीं दिया होता भारतीय जनता पार्टी। जनता की बात को जो है हमें गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बचाया भाई, सुनिए भाई, पहले देखो त्रिशला जी, इस तरह डिबेट नहीं होगा। मैंने अगर सुना इनको सुना जी, अपना पक्ष रखे, आप अपना पक्ष रखे। अब सुनिए हमारी बात, ये बताइए कोरोना काल में 2020 में मोदी जी एक नंबर के झूठे देश के प्रधानमंत्री, कितना झूठ बोलोगे जनता से? आप बताइए, WHO ने कहा 45 लाख जो है भारत देश में जो है मौतें हुई है, चाहे वो कोरोना की वजह से हुई है या जो लोग बीमारी से पीड़ित थे, इलाज कर रहा था, इनको समय पे डिबेट का विषय या तो मालूम नहीं है या डिबेट के बारे में जानकारी नहीं है। आप अयोध्या के वासी हैं, मैं भी काशी का वासी हूँ, हम लोग काशी में रहे हैं, चले बढ़े हैं। जनता रखिए, पेट में दर्द ना हो, नहीं पेट में दर्द ना हो, मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर मस्जिद से डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बनेगा, क्या मंदिर से बनेगा? मैंने आपको पहले बोला, मैंने आपको पहले बोला शिक्षा के मंदिर से बोला, अब शिक्षा का मंदिर क्यों नहीं आप चर्चा करवाते हैं? गैस सिलेंडर पार हो गया 1000 से पार हो गया, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? तो ये डिबेट गैस सिलेंडर पर है क्या? रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा दीजिए दयाराम जी। अगर युद्ध यूक्रेन का है तो अमेरिका कह रहा है भारत देश 45 लाख लोगों की मौत हुई है, आप भारतीय आप ये बताइए जो जिसकी मौत होती है हिंदुस्तान में एक नियम है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है पूरे पूरे भारत में हर जिले में,
736 जिले हैं पूरे भारत में, हर जिले में अगर आप आंकड़ा तैयार करा लीजिए कहां 45 लाख मौतें हुई। कृष्णा जी पहले सुनाइए, देखिए विपक्ष को नहीं सुनना तो मैं चुप हो जाता हूँ, सुना तीन की गाना सुनते रहे। राम जी अपनी बात रखे आप, विपक्ष का दायित्व कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप भड़का कर दंगा पैदा कर दे। मुझे हिंदुत्व का पाठक कतई मत बहाना, मुझे खूब पता है हिंदुत्व के बारे में, किसी ने नहीं की, बस यही कहा जा रहा है कि आप विषय पर बात करिए। न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जो उन्होंने निर्णय तो मैं नहीं कहूंगा, जो आदेश दिया, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, उस आदेश का पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप रोटी रोजगार शिक्षा दवाई महंगाई की चर्चा क्यों नहीं करते? भाई तो उस पर डिबेट अलग कर लीजिए, उस पर अलग डिबेट करिए, पहले आप इस मुद्दे पे बात करिए। दयाराम जी हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं, समस्या खत्म हो गई क्या? सरकार अगर भाजपा की बन गई, समस्या जनता की खत्म हो गई क्या? जी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, पांच राज्यों के चुनाव में चार राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, अब वो जनता का मुद्दा है, जनता का मसला उसने किस पे दिया? दयाराम जी आज आलोक जी पार्टी के नेता है, आलोक जी बेटे को जो है बुरी तरह बनारस के लोगों ने हरा दिया विधानसभा सीट से, शिवपुर से, अब इनकी खीज है कि ये पत्रकारों को डांटने लगेंगे, एक एक करके अपना पक्ष रखे, डांटने लगेंगे आप लोग, एक एक करके अपना पक्ष रखे ताकि मैं आप लोगों को समझ पाऊं। दयाराम जी आप किसी से पर्सनल मत होइए, आप सब लोग पैनलिस्ट हैं मेरे लिए, भाई आपके नेता के बारे में बात की जा रही है, ये पर्सनल अटैक है आपके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए भाई, हम अपनी बात कहेंगे, नहीं ये डिफेंसिव होने वाली बात नहीं है, आप ज्ञान बापी मस्जिद के विषय पर बात करिए, आरोप लगाते हैं, ये डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये सड़क पे कचरा साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, उस पर बात करने लगी है तो उस पर भी नहीं करेंगे। चलिए ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद बता दीजिए क्या है, बस उसके ऊपर बात करिए। दयाराम जी आपको साक्षात राम के स्वरूप है जैसा आपने बताया, आप राम के स्वरूप है, अयोध्या के निवासी है, बता दीजिए भगवान आशुतोष, भगवान आशुतोष जो राम के आराध्य है उनके बारे में बता दीजिए आप। आलोक शुक्ला जी और दयाराम जी मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें, इस तरह से आप लोगों की बातों को कोई नहीं समझ पाएगा। दयाराम जी आप अपनी बात रख ले, आप अपनी बात रख ले, देशबंधु जी मैं आपसे आग्रह करूंगी दो मिनट पहले हम दयाराम जी की बात सुन ले, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात सुन ले, विषय पर बात, सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। हम लोग को आपने डिबेट में क्यों आमंत्रित किया, उद्देश्य ही मूर्ख आदमी को आप डिबेट में बोल लेते हैं, भाषा की मर्यादा का प्लीज आप लोग ध्यान रखें, भाषा की मर्यादा का प्लीज आप, भाजपा के प्रवक्ता आप अपनी भाषा पे कम से कम नियंत्रण रख लीजिए, वो सम्मानित व्यक्ति है, उनका नाम मैं भी नाम हूँ पहले ही बता दिए, देशबंधु जी, देशबंधु जी, देशबंधु जी हमारे आपके पास हमारे साथ गोबर पात्र है वो पत्रकार भी गोबर पात्र, मैं कह रहा हूँ मैं कचरा साफ करने वाला हूँ, आप लोग इतना पर्सनल मत जाइए, इतना पर्सनल मत जाइए आप लोग किसी के, हम एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम यही है, चाहे किसी पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे कोई नेता हो, जब अगर बात होती है मुद्दे पे तो हर कोई मुद्दे को भड़का, अभी आप कह रहे ना दयाराम भार्गव जी की भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटका रही है, वो महंगाई की बात नहीं कर रही है, इस तरह से तो आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा ना, एक एक करके आज अभी बात ज्ञान वापी मस्जिद के हो रही है, जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि उस पर सर्वे हो, हम उस मुद्दे पर बात करने के लिए आज बैठे हैं, कई लोग वहां पर हिंसा का शिकार हो जाएंगे अगर ये सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ, ये जरूरी मुद्दा है, कई लोग बेवकूफ बनेंगे जिनको नॉलेज नहीं है और वो फिर हिंसा का शिकार होंगे, आम जनता शिकार होगी, कोई नेता नहीं होगा, कोई नेता अपने 5-स्टार होटल से बाहर निकल करके नहीं आएगा उस हिंसा में, आम जनता आएगी, तो आप लोग पहले इस मुद्दे पर बात करें। देशबंधु जी मैं आपके पास आऊंगी, दयाराम जी अपनी पॉइंट्स रखें। अब देखिए सुनिए, मैंने कहा पिछड़ा जी जी मस्जिद का जो मामला बनारस का है जी,
कोर्ट के द्वारा चले, जो निर्णय आएगा उसको माने। हम लोग को बुलाने का क्या, अयोध्या का मंदिर के लिए जो निर्णय, देशबंधु जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जयराम जी की बस बात सुन ले, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अरे यही बात है, मैं कह रहा हूँ सुनिए, मैंने कहा देश संविधान से बात करें तो मैंने कहा न्यायालय का आदेश होगा, जो फैसला आएगा हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, हमारे पैनल में जितने बैठे हुए लोग सभी मानेंगे, लेकिन समस्या वहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्या को पैदा करती है। अब आप देखिए कोर्ट का जो मामला चल रहा है, चलने दीजिए, आज 50 रुपए तो क्या सिलेंडर पे बढ़ा दिया, उसकी चर्चा कौन करेगा? बिल्कुल, हम इस मुद्दे पे आ रहे हैं राम जी, इसका जवाब हम देश बंधु जी से लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, देश बंधु दीक्षित जी। जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा आप सामने निकल करके आया है, हिंसा की ओर अग्रसर है और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ज्ञानवापी मस्जिद का बहाना लेकर महंगाई भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, इस पे क्या कहना है आपका? ये इल्जाम लगाया जा रहा है अन्य पार्टियों की तरफ से। देखिए पहले तो मैं इनके लिए एक ही शब्द यूज करूंगा, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पानम भुजंग नाम केवलम बुषवर्धनम। मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। मुद्दा यहाँ क्या है, ये मुद्दे किस बात के? अब आप बताता हूँ विषय पे। आपने कहा ज्ञान बापी मस्जिद, आप चाहे बाबर के इतिहास से, मैं तैमूर नंद बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन ये एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है श्लोक पढ़ने का और किसी को मूर्ख बताने का। ये आपकी भाषा नियंत्रित नहीं है जो मुझे लग रहा है। जी आपके पास में आ रही हूं। 400 सालों तक राज किया और आपको बताएं जो बाबर से शुरू हुआ घटनाक्रम और जो शाहजहां औरंगजेब तक होता हुआ, बहुत सारे हिंदू मंदिरों को उन्होंने तहस नहस किया और हिंदू संस्कृति को बिगाड़ने के, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो बहुत सर्वदा उचित है। पुरातत्व विभाग अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट देगा और जो साक्ष्य है वो सबसे बाहर आ जाएगा, इसमें राजनीतिकरण की क्या बात है। और आपने देखा चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे शाहजहां हो, बहुत सारे हिंदू मंत्रियों का और हिंदू संस्कृतियों का इन्होंने विनाश ही किया। जब जब मुस्लिम शासक आए तब इन्होंने हिंदुओं की सारी जगहों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण कराया और विभिन्न प्रकार के अवैधानिक चीजें, वो आज आप पुरातत्व का एस्ट्रोलॉजिकल का जो सर्वे है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है एस्ट्रोलॉजिकल विभाग सर्वे कर लेगा और जो सत्य है उसमें सामने आ जाएगा। इसमें महंगाई का मुद्दा कहाँ है? और जो राजनीतिकरण की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। विपक्षियों की बात करने, एक पार्टी विपक्ष की है उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सब मीडिया बंधु सब जानते हैं, उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दे के कहे थे कि श्री राम मंदिर केवल कोरी कल्पना है। ये मात्र कोरी कल्पना नहीं है, ये करोड़ों लोग की आस्था का विषय है। देखिए अंत में सत्य की जीत हुई और कहते हैं सत्य सत्य होता है और सत्य क्या, बिल्कुल देश बंधु जी, सत्य की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाया, सत्य की जीत हुई आपने कहा तो सत्य की जीत हुई। जो 300 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं ने, चाहे सारनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, हर मंदिरों का इन्होंने खंडन किया, विखंडन किया और हिंदू संस्कृति पे आरोप लगाकर तोड़ फोड़ कर नई मस्जिदें बनाई, उसकी जगह अवैध निर्माण किए। आज देखिए हिंदू राष्ट्र है, 2014 में जब से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले विकट से विकट संपदा रहा, कठिन परिस्थितियां आई हो, कोरोना जैसे महासंकट की बारी आई, बताइए कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, अपने देश को बचा देश है साथ ही आपको बता दूं, यहां पंथ निरपेक्षता है, यहां ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, अपने आप को करेक्ट कर आपको बता दूं। और भव्य राम मंदिर बन रहा है, करोड़ों लोग की आस्था का सम्मान हुआ। और रही बात मथुरा काशी की, तो पुरातत्व विभाग अपना सर्वेक्षण कर रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने या माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, वहाँ आदेश होना चाहिए और जो साक्ष्य है वो सबसे बाहर निकलना चाहिए और अगर वहाँ मंदिर था तो मंदिर बन कर ही रहेगा। और ये हम सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं कि सर्वे पहले हो, तो बिल्कुल सर्वे हो, सर्वे में जो निकल करके सामने आएगा वो हम सब एक्सेप्ट करने को तैयार है। हमेशा से न्यायालय का जो फैसला है हर किसी ने एक्सेप्ट किया हमारे साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने इतना बढ़िया अभी सब्जेक्ट उठाया और इतने सारे विषय बताए, 1669 में औरंगजेब, और आपको बता दें औरंगजेब एक ऐसा शासक था, अगर आप इतिहास उठा के पढ़िए तो औरंगजेब ने बहुत सारी हिंदू संस्कृतियों का विनाश किया। बिल्कुल, अभी देखिए हम इतिहास पे जो आएंगे तो हमारा चर्चा बहुत लेंदी हो जाएगा देश बंधु जी, मेरी बात सुनिए। जो अभी चर्चा ये है, मुद्दा ये
राजनीति हो रही है, क्योंकि लगातार जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा है कि राम मंदिर के नाम पर सरकार बना लिया गया। मेरी बात सुनिए, नहीं ज्ञान वापी वहाँ मस्जिद तो थी ही नहीं, जब आपने कहा आप सर्वे में पता, देश बंधु ये सर्वे में पता लगेगा ना, सर्वे चल रही है, न्यायालय का आदेश है जी। आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, बाबर एक ऐसा विक्षिप्त मानसिकता का मुस्लिम शासक था जिसने बहुत सारे हिंदुओं मंदिरों को तुड़वा कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया और विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण कराया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ विकास जी, बिल्कुल देश बंधु जी, मैं आपके पास हमारे साथ विकास जी भी जुड़े। विकास जी, जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही है, जब कहीं भी मुद्दा उठ करके सामने आता है, नारे दिए जाते हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, हिंदू राष्ट्र। सभी को पता है कि हिंदुस्तान किसी एक विशेष जाति समुदाय का नहीं है। किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या सनातन धर्म इस चीज को अलाउ करता है, इस तरह के हिंसा को अलाउ करता है सनातन धर्म? देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, बड़ा ही शालीन, बड़ा ही पवित्र धर्म है जी। सभी धर्मों का यहाँ सम्मान किया जाता है, सर्वे भवन्ति सुखना पे हम विश्वास रखते हैं। जो आप कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ और मथुरा, इन सब की बातें जो राजनीति के गलियारों में चलती रहती हैं, राजनीतिकरण के खिलाफ हैं हम, लेकिन ये मुद्दे आज से नहीं उठ रहे थे। ये मुद्दे हिंदू बहुत दिनों से कह रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आज उनकी आवाज़ अगर सुनी जा रही है तो ये कहीं गलत नहीं है, लेकिन हम किसी की भी भावनाओं को, किसी की भी आस्था को ठेस भी नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि उस परिसर में नमाज पढ़ना बंद करवा दिया जाए और हमें पूजा का आदेश दे दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं हमें साथ में पूजा का आदेश दिया जाए। हम तो बड़ी शालीनता से, बहुत सौहार्द से दोनों चीज़ें करना चाहते हैं। सनातन धर्म यही कहता है और सनातन धर्म के अनुयायी हैं। दूसरा, भार्गव जी अभी कह रहे थे, भार्गव जी ने भी कहा कि वो आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में इनको ना बताएं। सर, आप बहुत ही ज्ञान है आपको, मैं उस पर नहीं कह रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जब जनता की आवाज़ उठाई जाती है तो अहम ब्रह्मास्म एक ऐसा घमंड वाला शब्द है जिसको कभी नहीं बोला जाता, और आपने यहाँ लाइव डिबेट में जो ये कहा कि आप खुद राम हैं, तो इस बात को फिर से गौर करिएगा कि जनता पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप खुद राम हैं तो मंदिर तो आपका बन जाना चाहिए था। इसलिए इस तरीके, भार्गव जी एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे पहले सुनिए, अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं आपको हिंदुत्व के बारे में बहुत पता है, आप खुद राम होए जा रहे हैं, तो भैया अगर आप खुद राम हैं तो यहाँ डिबेट में क्या कर रहे हैं? आपको तो मंदिर बैठना चाहिए था। इस तरीके के विषयों पे कभी भी इस तरीके की बातें ना करें। दूसरा, बिल्कुल बताएंगे, हम आम आदमी हैं तो हम ही बताएंगे आपको, क्योंकि हम ही आपको जिताते हैं और सत्ता पे पहुंचाते हैं, तो अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आपको? आप आम आदमी से इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? दूसरा, आप नेता प्रतिपक्ष अपने को कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को यह पता होना चाहिए कि जब भी हम डिबेट में बैठते हैं शब्दों का ध्यान रखा जाता है। आप मुझे बताएंगे, पत्रकार नहीं है ये लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है मान्यवर, हम भी यहाँ बैठे हैं और दो लोग और भी बैठे हैं, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, और फिर प्रवक्ता बनिए, ठीक है? दूसरा, जिन मुद्दों पे बात हो रही है उन मुद्दों पे कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, या आप शायद वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बोलना नहीं चाहते, ठीक है? तो आप स्पष्ट ये बोलिए, भार्गव जी स्पष्ट ये बोलिए कि आपको इस विषय में कुछ पता नहीं है, आप कहना नहीं चाहते, भटकाइए ना मुद्दे को। बिल्कुल लिखते हैं, एक सेकंड, दयाराम भार्गव जी, विकास मिश्रा जी रुक जाइए, मान्यवर फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। कृष्णा जी, एक सेकंड, आपको दयाराम जी, आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, फिर से सुनिएगा, उसमें जो पत्रकार महोदय ने कहा है कि आपको झाड़ू लगवाने वाले कार्यक्रम, कचरा उठाने वाले कार्यक्रम, महंगाई धरना प्रदर्शन वाले कार्यक्रम, इसके अलावा कुछ नहीं आता, उन्होंने ये बोला, और आप अगर उसको ये समझ रहे हैं तो ये आपके ज्ञान का स्तर है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आलोक शुक्ला जी, जिस तरह से लगातार पत्रकार पे भी सवाल उठ रहा है, मीडिया पे भी सवाल उठ रहा है, कोई भी मुद्दा आता है उसको हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद का मुद्दा कर दिया जाता है, चुनाव आते हैं तो नारे दिए जाते हैं, हर कोई हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहा है, किस तरह से देखते हैं आप, और ये कितना बड़ा एक मुद्दा, और एक हिसाब से अगर कहा जाए तो नुकसान होने वाला है हमारे जो आने वाली जनरेशन को भी और हमारी इस पीढ़ी को भी? देखिए त्रिशला जी, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो अभी बढ़ रही है, ये बहुत स्मार्ट है, ये इसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। दूसरी बात, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये एक सेक्युलर कंट्री है,
पंथ निरपेक्ष देश है, यहाँ पर जो है सभी लोग एक साथ रहते हैं। बनारस में जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आत्मीयता से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि नेता है, नेता अपना काम करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, सुभाषपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल हो, वो अपना काम करेगा। लेकिन पत्रकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आजकल एक फैशन बन गया है, और वो तमाम प्रवक्ता हैं, पहले तो ये समझ नहीं पाते हैं, स्वयं जानकार हो जाते हैं, अब देखिए फिर बोले लगे। नहीं देखिए, नहीं तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा ना, हिम्मत बिल्कुल किया जाएगा। अगर आप चुनाव हारेंगे तो उसका एनालिसिस पत्रकार करेगा, ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा कि मैं क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा। मतलब अगर मैं आपके फेवर में न बोलूं तो इसका मतलब है मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हो गया, ये क्या बात हुई है ना। आप बात करिएगा, बैठिएगा, तब ना पता चलेगा आपको। आपको अगर बात करना है तो विषय पर बात करिए, ज्ञानवापी मस्जिद पर बात करिए, माननीय न्यायालय के आदेश पर बात करिए। आप डिबेट को उठा के कहीं और ले जाएंगे, उसके बाद पत्रकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। भाई क्यों नहीं चर्चा होगी? अगर आपका नेता चुनाव हारेगा, कोई भी नेता चुनाव हारेगा, तो उसका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण होगा, वो सकारात्मक भी हो सकता है और आपको ज्ञान देने वाला भी हो सकता है। आप परम ज्ञानी हैं, ये सबको मत बताइए। आप ही हिंदू धर्म जानते हैं, आप ही भारत जानते हैं, आप ही अयोध्या जानते हैं, आप ही काशी जानते हैं, आप ही मथुरा जानते हैं, आप ही राजनीति जानते हैं। ये स्वयं के अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर उठिए, अहम ब्रह्मास्मि मत करिए नेताजी। नेताजी आप अहम ब्रह्मास्मि मत करिए। मैंने भाजपा के प्रवक्ता पर भी प्रश्न उठाया, उनकी भाषा आपके प्रति खराब थी, मैंने उस पर भी बोला, लेकिन आपकी भाषा लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पर आधारित है, यह बेहद शर्मनाक है। आपको डिबेट करने का या तो तरीका नहीं मालूम है, या आप डिबेट आपको विषय पर पकड़ नहीं है। चिल्लाता वही व्यक्ति है जिसको विषय पर पकड़ न हो। आपको ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नहीं पता है, विषय की जानकारी नहीं है। आप सरकार देखिए, आप लोग पर्सनल मत होइए। आप लोग देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद पर आइए। ज्ञानवापी मस्जिद जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है, चिल्लाइए मत दयाराम जी, अच्छी बात, अच्छा नहीं लगता है ये। भाई पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा हुआ, चलिए आपकी बात मान लिया, ठीक है, मान लिया, बंद करवा दीजिए। नहीं नहीं भैया, इनकी बात मान लेते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, बहुत सरकार गलत कर रही है, सिलेंडर महंगा हुआ, बहुत गलत काम है, मान लिया मैंने, महंगाई कम होनी चाहिए, ये सही बात है, मान लिया आपकी बात। अब आ जाइए मुद्दे पर, ज्ञानवापी ये जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां 50 लोग 100 लोग कभी जो है पहुंचते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन क्या कारण है, कौन लोग हैं जो दंगा फैला रहे हैं, जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी करना जरूरी है, चाहे वो भाजपा हो या कोई हो, कौन लोग वहां प्रमोट कर रहे हैं, किसको, चाहे वो ओवैसी हो, किसी को कोई हक नहीं है दंगा भड़काने का, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई हक नहीं है, वो जनता की टिकट पा करके सत्ता में आता है, इसलिए किसी को कोई हक नहीं है कि जनता के साथ कोई गलत करे, जनता का कोई फायदा उठाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। हमारे साथ पंकज रस्तोगी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पंकज जी, जिस तरह से एक मुश्किल का सामना पत्रकार को भी करना पड़ता है, आज हम मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं, ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं, जिस तरह से जाकर के जब सर्वे की बात की जाती है, जब सर्वे होने जाता है तो जाकर के काशी विश्वनाथ के सामने नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती है, सर्वे करने नहीं दिया जाता है, सर्वे करने में दिक्कत की जाती है, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, एक बात तो पहली बात ये समझ लीजिए त्रिशला जी, कि जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, तो ये तो एक जितने भी दल के लोग हैं जिनको अगर नाच ना आगे आंगन टेढ़ा वाली कहावत हो जाती है, और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर कोई सरकार पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, उनकी पत्रकारिता पे एक प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये उनका स्वयं का विश्लेषण होता है कि वो किस तरह का विश्लेषण करें। आप इस चुनाव की पिछले बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चुनाव लड़ा गया पिछला चुनाव, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे, सुन लीजिए दयाराम जी, और उसमें 8 करोड़ पुरुष 7 करोड़ महिलाएं, महिलाओं ने कहीं से भी किसी दल को वोट नहीं दिया, पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि सरकार 37 साल बाद पुनः भाजपा की सत्ता में वापसी हुई,
37 साल बाद कोई दूसरा कोई भी सरकार दोबारा नहीं बन पाई थी उत्तर प्रदेश में, तो ये योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर था और वो था, उस पे हुआ। अब अगर उस विश्लेषण को कोई पत्रकार कहे तो आप कहेंगे कि आप जो है भाजपा के प्रवक्ता हो गए, भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। तो सवाल ये, विश्लेषण करना हर पत्रकार का नैतिक कर्तव्य है, वो अपने नजरिए से नैतिक कर्तव्य की पूर्ति करता है, उसके ऊपर टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। सीधी सी बात, आप ये सोचिए कि नहीं पत्रकार खाली निगेटिव बात करे, ये संभव नहीं है कि हर खाली पत्रकार हर चीज का निगेटिव एस्पेक्ट रखे, ये चीज संभव नहीं है। अब आप उसकी बात कर रहे हैं तो अगर आप इस समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं, 1975 में गेहूं का दाम 70 पैसे किलो था, आज गेहूं का दाम एमएसपी बढ़ने के कारण 1975 रुपए है, उसका दाम 50 रुपए क्यों नहीं हो गया? उस समय से अगर आप लोगों की पब्लिक सेक्टर चाहे सरकारी सेक्टर की बात करें, लोगों की तनख्वाहें 450 से 450 गुना बढ़ चुकी है, क्या गेहूं का दाम बढ़ा? नहीं बढ़ा, लेकिन इस सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया और एक तय मानक बनाए कि एमएसपी के से तय नीचे आप जो है गेहूं और धान की खरीद नहीं करेंगे, तो वो सही कदम है। अब आप कहिए नहीं वो गलत है, आप भाजपा की के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं, तो ये सब चीजों पे निकल के बात करिए और निष्पक्ष बात करिए। आप भी एक दल के प्रवक्ता है, इस तरह की बात करना उचित नहीं है और सब पत्रकारों का सम्मान होता है, किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, इसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए, बिल्कुल गलत है, इस तरह की बातें मत करिए कि पत्रकार का अपना विश्लेषण है, बिल्कुल गलत, आप इस तरह की बातें मत करिए। एक बात और मैं एक बात और कहना चाहूंगा और ज्ञानवापी मुद्दा, देखिए हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान शंकर की नगरी है काशी और वहाँ काशी विश्वनाथ जी विराजमान हैं, उसको कई बार 400-500 वर्षों में कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। अब सवाल यह, वहां पर मस्जिद विराजमान है, उसका विश्लेषण अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो वो जायज है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर सही होगा तो उसका न्यायालय सही डिसीजन देगा, न्यायालय तथ्यों पर ही डिसीजन देगा, कोई गलत डिसीजन तो देगा नहीं। बिल्कुल अपना पक्ष रखे। देखिए पंकज जी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आप भी पत्रकार हैं, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपने कहा कि आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन निर्णय आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना बिल्कुल है। साइंटिफिक विश्लेषण होना चाहिए, तमाम सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर कार्बन डेटिंग की हमारे पास पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, जांच में जो कुछ भी आए, जो न्यायालय ने आदेश दिया है जांच का, उस जांच में जो कुछ भी आए उस पर निर्णय हो, किसी भी आस्था किसी भी बहकावे में या किसी भी बातचीत में या किसी समूह के निर्णय के आधार पर कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए, कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों को न्यायालय का कानून का सम्मान करना चाहिए और जो तथ्य आए जो साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो उसके आधार पर अपनी बात कहें। जी बिल्कुल दयाराम जी, ज्ञानव्यापी का जो वीडियो, सबसे पहली बात, आप गठबंधन में है इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ, ओपी राजभर जी लगातार कहते आते हैं कि वो दलित शोषित वंचित के लिए कार्य करते हैं, अभी भी आपका गठबंधन है, आप मेन विपक्षी पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी होती है बड़ा अहम रोल निभाती है सरकार में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ करके सामने ये आती है कि जो ज्ञानव्यापी पर सांप्रदायिक और सियासी खेल जरूरी ही क्यों है, जब वीडियोग्राफी से डर क्यों है, आप बताइए क्यों डर है वीडियोग्राफी से? तमाम मस्जिद है, तमाम मंदिर है, उसमें लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ज्ञानव्यापी में वीडियोग्राफी से डर क्यों है, किस बात का डर है? अच्छा त्रिशला जी, मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं जी, आप अपना पक्ष रखिए, अब समय का ध्यान रखते हुए अपना पक्ष रखिए, एक एक कहो तो ना ही रखू त्रिशला जी, दयाराम जी अपना पक्ष रखे, आप अपना पक्ष रखे, आप सुनिए हमारी बात सुनिए। देखिए अभी हमारे भाई पंकज जी ने कहा कि भार्गव जी आपको माफी मांगना चाहिए, अरे भाई मैं कचरा फेंकने वाला हूँ, आलोक भाई ने जो ये शब्द कहा ये माफी मांगना की भार्गव मांगे, दूसरी सुनिए सुन लीजिए दयाराम जी, फिर सुनिए, मैंने ये कहा ज्ञानवापी है कचरा झाड़ू
सिलेंडर, ये सब विषय नहीं है। मैंने ये कहा, मैंने आपको कचरा फेंकने वाला नहीं कहा। आप दोबारा से वीडियो सुन लीजिए, प्रसारित हो जाएगा। जयराम जी अपना पक्ष रखें, उसके पहले मैं आपसे बस एक बात, आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप माफी मांगना नहीं चाहते, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आप मत माफी मांगिए। आपने गलत सुना, मुझे सर्टिफिकेट, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे पता है कि भाजपा के नेताओं की भाषा कैसी है, मुझे भले बात क्या है। देखिए मुझे भी नहीं चाहिए आपसे। डिबेट खत्म हो जाने के बाद आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। दयाराम जी अपना पॉइंट रखे आप। हाँ देखिए, आप दूसरी बात, शीतला जी, मैंने कहा ना ये काम न्यायालय का है। मैंने शुरू में आपके चैनल पे जैसे ही शब्द निकाला, शुरू में कहा ये काम न्यायालय का, न्यायालय जो फैसला देगा वो जिसके भी पक्ष में जाएगा हमने स्वीकार किया। हमने कहा राम मंदिर का मुद्दा, न्यायालय ने जो फैसला दिया सबने पूरे देश ने माना, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। हमने कहा न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाए ना भाई, डर लग रहा है लोगों को। लोग कह रहे वीडियोग्राफी क्यों भाई, देखिए किस बात का डर है वीडियोग्राफी से। त्रिशला जी मैंने कहा वीडियोग्राफी कराइए, लेकिन वहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर का काम क्या नाम है मुख्यमंत्री का है, वहाँ लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। प्रशासन पहले भी वहाँ पे प्रशासन हुआ करती थी, लेकिन जब से जांच का विषय हुआ है प्रशासन ज्यादा हो गया। क्योंकि मैं बनारस आना आता जाता रहता हूँ, मैं स्वयं एक धार्मिक नगरी से हूँ, मेरा आस्था है, मैंने पहले ही कहा। लेकिन अब इसके इतर हम जाते हैं, आज फिर मेरा वही बात है, 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाता है। आप बताइए इसकी चर्चा क्यों नहीं होती, आप बताइए। कितने चर्चा में आप मेरे ही चैनल पे बैठे हैं, मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके चर्चा में आप बैठे हैं कितनी बार। मैं आपको लिंक भेजती हूँ चर्चा खत्म होने के बाद। मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनके साथ आप चर्चा में बैठे हैं महंगाई पे, कैसी बात कर रहे हैं दयाराम जी। लेकिन आज मुद्दा ज्ञान व्यापी का है ना, तो हम उस पर बात करें, हम बिल्कुल कल बात करेंगे। हम अक्सर महंगाई पर चर्चा करते हैं, सुबह से हमने महंगाई की खबरें अपने चैनल पर दिखाई है, लगातार हमारे जो संवाददाता है वो फील्ड में काम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कि हम महंगाई नहीं दिखाते हैं, लगातार हम महंगाई पे दिखाते हैं। लेकिन अभी मुद्दा ज्ञान व्यापी है, इसलिए उस पर बात करना जरूरी है। अगर सर्वे करने को न्यायालय बोला है तो सर्वे से डर क्यों, क्यों मंदिर के सामने नमाज पढ़ा जा रहा है, क्यों मस्जिद के साथ गलत किया जा रहा है, आखिर कौन है जो हिंदुस्तान को इस तरह से बांटने की कोशिश कर रहा है। सवाल तो यह उठ के सामने आता है ना, मैंने पहले भी कहा था, हिंसा में किसी नेता की जान नहीं जाती है, जनता की जान जाती है, जनता की, जो आप लोगों को वोट देता है, वोट देकर सत्ता में बिठाता है। त्रिशला जी मुझे बोलना है या आप ही बोलते रहोगे, बताओ, मुझे भी बोलने दोगे। आप मुद्दे की बात रखे ना, पॉइंट आप बताता हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, सुनिए तो भाई, सुनो। देखो मैंने कहा ना, मस्जिद का जो मुद्दा है वो न्यायालय का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। हम यहाँ बैठ करके ये नहीं कर देंगे कि ये इसका या इसका है। न्यायालय जो फैसला देगा उसको मानते हैं हम। वहां लोग इकट्ठा हो रहे, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लॉ एंड ऑर्डर भाजपा देखे, वो विपक्ष से सोए सवाल, विवाद अगर है तो विवाद का हल निकलेगा। लेकिन उसी विवाद में हमको बताइए, 5 साल योगी जी ने निकाला तब यह चर्चा का विषय क्यों नहीं रहा, 8 साल में से केंद्र में भाजपा की सरकार है तब क्यों नहीं निकाला। मैंने आपको कहा नोटबंदी 8 नवंबर 2016 का हुआ, उस पर डिबेट क्यों नहीं होता, देश को नोटबंदी से क्या मिला, उससे क्यों नहीं सवाल उठता है, आप बताइए ना हमको। उसका चर्चा देश को होना चाहिए कि हमारे देश की जनता को नोटबंदी से क्या मिला, वो चर्चा विषय क्यों नहीं होता है। हम मुद्दे की बात करते हैं लेकिन सत्ता पर तो मुद्दे से भड़काने का बात करते हैं, हम तो बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात, देश में प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनवाइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार मिला क्या, उल्टा रोजगार खत्म हो गया। आप बताइए जहां पे अडानी और अंबानी जिस सेक्टर में उनका नाम जाता है उस सेक्टर का बंटाधार क्यों हो जाता है, वो सेक्टर क्यों प्राइवेट में, आखिर उसको बेचने में भारत सरकार क्यों मजबूर हो रही है, इसकी चर्चा क्यों
शीला जी ये फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी समय की कमी होने के कारण। नहीं नहीं आप आपने मुझे बोलने नहीं दिया, इस बात पे मेरी आपत्ति रही कि आज आपने भाजपा मुझे भाजपा का प्रवक्ता होने का नाते बुलाया जरूर, लेकिन आपने मुझे बोलने नहीं दिया कि मैंने दयाराम जी की खाली मानसिकता का मैंने बात किया, और जो आपने कहा जो सत्य है वो आएगा ही, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन होगा और जो सत्य होगा वो साक्ष्य बाहर आएंगे, और चाहे जो भी चीजें हो हमें हम हिंदू का भी सम्मान करते हैं, हम मुस्लिमों का भी सम्मान करते हैं, हम सिख भी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ चलते हैं जी। लेकिन आप बताइए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया वहां पे सर्वेक्षण कराने से क्यों आपत्ति है, और जो आप कहते हैं ये कुंठित हार हताशा की मानसिकता है जो विपक्ष की, आज ये उसके साथ खड़े हैं जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया और कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, आज वह घटना कोई भूला नहीं है, और जब भी याद करता है इतिहास तो शर्मसार होता है, और रही बात है हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा ही अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और मथुरा काशी है, सर्वेक्षण हो जान दीजिए, जो सत्य है वो सामने आएगा, और रही माननीय दयाराम जी की जो ये बात करते हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे रोजगारी की बात हो, मैं इनसे किसी भी सब्जेक्ट पर तथ्यों सहित बहस कर सकता हूँ, और ये जनता जानता रहता है क्या आशीर्वाद है, और आपके पत्रकार बंधुओं के बात को संबद्ध करते हुए कहता हूँ 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर संभाली और 2017 में जब से हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में निरंतर उन्नति के मार्ग में चल रही है, इनका भाषावाद जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद का जो छद्म राजनीति है ना जिसके तुष्टिकरण की राजनीति ये करते हैं, देश अब उकता गया है, आज का युवा प्रगतिवादी सोच का है, वह चाहता है आधुनिक भारत मिले, हम अमेरिका बने, हम फ्रांस बने, हम रूस बने, वह जातिवादी की मानसिकता से उठ के ये लोग मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए छद्म राजनीति, अब इनके पास कुछ बचा नहीं मुद्दा, हार का ठीकरा है, 37 साल बाद सरकार ने पुनः उत्तर प्रदेश के 15.02 करोड़ जनता ने आशीर्वाद देकर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार को पुनः प्रतिस्थापित किया है, तो और देशबंधु जी इसलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो आपने नारा दिया था ज्ञान वापसी का मुद्दा है, मैं फिर कहता हूँ मुझे हिंदुओं की जहाँ आस्था का सम्मान है वही मैं मुस्लिम भाइयों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वहाँ पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण हो जाने में किसको इनकार है, और जो सत्य है वो बाहर आ जाएगा, देशबंधु जी समय की कमी होने के कारण मैं आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल देशबंधु जी, जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे, और उसके बाद हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रतिबद्ध है। देखिए जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसका हम सभी पालन करेंगे, उसके बाद हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रतिबद्ध है न्यायालय के फैसले का पालन करवाने के लिए। समय के कमी होने के कारण मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार मंदिर हो मस्जिद हो किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, कोई भी मुद्दा हो उसको उठाकर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है, अगर न्यायालय कोई फैसला देता है उस फैसले को भी उठा के हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। जिस तरह से वीडियोग्राफी से डर है लोगों को कि वीडियोग्राफी क्यों होगा, तमाम मंदिरें हैं, तमाम मस्जिदें हैं, तमाम आस्था की जगह है जहां पर लोग जाते हैं, फोटोज खींचते हैं और पोस्ट करते हैं, तमाम ऐसी जगह है जहां पर लोग शादियां भी करते हैं तब भी पोस्ट करते हैं, समझ में नहीं आता कि डर किसको इसका है। हालांकि न्यायालय के फैसले का हम सभी को इंतजार है, तमाम राजनीतिक बयानबाजियां ट्वीट बाजियों के बीच न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है, हम सभी को इंतजार है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस।